हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं करने वाली हूँ सोप से हेयर वॉश। और इससे पहले मैंने कपड़े धोने वाली साबुन से भी की थी। बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ अपने बालों में, तो यहाँ पे जो है मैं आज सोप से कर रही हूँ। और सारी डिटेल मैं आपको दूंगी कि इससे आपको हेयर वॉश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सो गाइस, बेसिकली होता क्या है कि सोप में होता है कास्टिक सोडा बहुत ज़्यादा अमाउंट में, ठीक है। तो जब भी आप इसको बालों में लगाते हो, आपके सारे बालों में जितना भी ऑयल होता है वो निकल जाता है, ठीक है, सारी गंदगी निकल जाती है। बट साथ ही साथ आपके बालों के लिए जो एसेंशियल ऑयल होता है वो भी निकल जाता है, तो इससे आपकी स्काल्प जो है ड्राई हो जाती है, ठीक है। तो आजकल ठंडियों के टाइम चल रहा है, तो ठंडियों के टाइम में जो है इससे डैंड्रफ की प्रॉब्लम आपको हो सकती है, क्योंकि ड्राई हो जाएंगे बाल, ठीक है। फिर शैम्पू में क्या होता है कि शैम्पू से आपके बाल जब धोगे तो उसके बाद स्मूथ लगते हैं, ऐसे ड्राई नहीं हो जाते हैं। साबुन से बाल धोने के बाद आपके बाल जो है ड्राई हो जाते हैं। बाकी इतनी ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होती बाल हमको साफ ही करना है, बस आपको जो है अच्छे से अपने बालों में ऑयलिंग करनी है अगर आप साबुन से हेयर वॉश करते हो, नहीं तो आपके बाल थोड़ा ड्राई रहेंगे, रूखे रूखे से रहेंगे, ठीक है। तो ऑयलिंग करोगे तो फिर भी आपके बाल अच्छे रहेंगे, ठीक है। यही होता है, जैसे पहले ज़माने में क्या, अभी भी कुछ लोग साबुन से फेस वॉश करते हैं, बट अब फेस वॉश आ चुके हैं। हाथ हम साबुन से धोते थे, बट अब हैंड वॉश आ चुके हैं। कुछ टाइम बाद लोग ये भी पूछेंगे कि हाथों को साबुन से धो सकते हैं नहीं, तो बस यही शेयर करने वाली थी। और यहाँ पर मैंने जो है अपने बाल आपको बता रही हूँ, तो ड्राई हो गए थे, काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो गए थे, फिर मैंने ऑयल लगा लिया था। तो मैंने ऑयल लगाने के बाद ये वीडियो शूट किया। सो बस यही शेयर करने वाली थी। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू, बाय बाय।